हे गाइस, क्या हालचाल है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और मजे कर रहे होंगे। वेलकम बैक टू कार दर्शन। आज की इस वीडियो में मैं आपको टॉप 5 ऐसी कारों के बारे में बताऊंगा जिनका लॉन्च इंडिया में नवंबर से दिसंबर के बीच में हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्कोडा की कामिया से। स्कोडा की कामिया 12.5 लाख के प्राइस पर इंडिया में लॉन्च होगी। इसके अंदर 3 इंजन ऑप्शन ऑफर किए जाएंगे। पहला 1 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बो TSI इंजन, दूसरा 1.5 लीटर का नेचुरली स्प्रेटेड पेट्रोल इंजन और तीसरा 1.6 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन। स्कोडा कामिया का एक्सटीरियर और इंटीरियर काफ़ी प्रीमियम है, साथ ही कंपनी ने काफ़ी सारे फीचर्स इसमें ऑफ़र किए हैं। बात करें गाड़ी की लॉन्च की तो यह गाड़ी नवंबर 2 पर आती है मारुति सुजुकी की जिमनी। इस कार का प्राइस 12 लाख रुपीज़ देखने को मिलेगा। इसमें मारुति का 1.5 लीटर के 15C पेट्रोल इंजन मिलेगा जो कि 103 BHP एंड 138 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जनरेट करेगा। इस गाड़ी की इंडिया के अंदर लॉन्च डेट नवंबर तक रहेगी। ये गाड़ी 4x4 के साथ लॉन्च होगी और इस कार का डायरेक्ट कंपटीशन महिंद्रा की थार ऑल फोर्स के गुरखा के साथ हो सकता है। बात करें इसके पावर की तो इसमें आपको पावर काफ़ी अच्छी मिल जाएगी और ये काफ़ी बेहतरीन ऑफ रोडर। नंबर 3 पर है सेल्टॉस फेसलिफ्ट। इसका प्राइस हमें 11 लाख रुपए एक शोरूम देखने के लिए मिलेगा। गाड़ी का एक्सटीरियर और इंटीरियर पूरी तरीके से रीडिज़ाइन कर दिया गया है। गाड़ी में और भी कई ज़्यादा मॉडर्न लुक्स सामने आई हैं जैसे कि सनरूफ और एडास यानी एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम। सेल्टॉस के इंजन को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। इसके इंजन में 1.5 लीटर का टर्बोचार्ज इंजन कंटिन्यू किया जाएगा। बात करें इसके इंटीरियर की तो इसका इंटीरियर पहले से काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम हो गया है, जिससे ये कार काफ़ी ज़्यादा लग्जरी देखने को मिलेगी। बात करते हैं 4th नंबर गाड़ी की तो 4th नंबर पर इसमें लॉन्च हो चुका है। जल्द ही इसका इंडिया में फेसलिफ्ट लॉन्च होगा। इसका प्राइस हमें 10.5 लाख रुपीस से देखने को मिलेगा। बात करें इसके एक्सटीरियर की तो यह पूरी तरीके से रीडिज़ाइन कर दिया गया है। साथ में इसका एक्सटीरियर टुसॉन से इंस्पायर रहेगा। गाड़ी में नए डिज़ाइन के अलॉय व्हील, बेस्ट लाइट सेटअप और कुछ कस्टम चेंजेस देखने को मिलेंगे। इसमें आपको एडास यानी एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम भी देखने को मिलेगा। बात करें गाड़ी के एक्सपेक्टेड लॉन्च की तो वो नवंबर से दिसंबर के बीच में हो सकती है। बात करें 5th कार की तो फिर पर आती है होंडा की HR-V या एक मिड साइज होंडा की SUV रहने वाली है C-सेगमेंट की। इसका डायरेक्ट कंपटीशन टाटा की हैरियर, MG के हेक्टर और जीप की कंपास से होगा। इसका प्राइस 22 लाख रुपीस ऑनवर्ड देखने को मिलेगा। HR-V का एक्सटीरियर डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ बनाया गया है। गाड़ी के अंदर हमें 1.8 लीटर का इंजन देखने को मिलेगा, साथ में 1.6 लीटर का टर्बो इंजन ऑफर किया जाएगा। बात करें इसके इंटीरियर की तो इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बड़ी पैनोरामिक सनरूफ, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक जैसे फीचर गाड़ी के अंदर ऑफर किए जाएंगे। होंडा HR-V की लॉन्च डेट दिसंबर तक रहेगी। आपको इस गाड़ी के अंदर काफ़ी अच्छे फीचर ऑफ़र किए जाएंगे। यह गाड़ी लॉन्च के बाद अपने सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा फेमस और काफ़ी ज़्यादा रिसेल वैल्यू वाली कार हो सकती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।